नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट एएससी सेंटर भर्ती 2022। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन में। आज की इस वीडियो में बात करें इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट एएससी सेंटर नोटिफिकेशन 2022 का। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप चेक कर पाओगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। देखिए, अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास कर रखा है यानी 10वीं पास कर रखा तो भी आप इस भर्ती में एलिजिबल रहेंगे। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट्स में एप्लीकेबल हैं। जो पोस्ट दी गई है 458 में पोस्ट दी गई है, ये ऑल इंडिया जॉब यानी कि पूरे भारत में कहीं से भी इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस भर्ती में एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल हैं, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। तो बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन एंड रीड आउट की। लेकिन फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करेगा, शेयर कीजिए, कमेंट करेगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, उसमें ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली ऑल अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हो, इसकी डिटेल को चेक करना चाहते हो या इसका फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हो, फिल करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में गूगल में सर्च करना होगा या टाइप करना होगा jobinformation.co.in। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर आकर विजिट करके इसकी डिटेल को भी चेकआउट कर सकते हो। आर्मी एएससी सेंटर एप्लीकेशन फॉर्म 2022 नोटिफिकेशन आओ, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी jobinformation.co.in से। आप यहां पर आकर विजिट करके कंप्लीट जानकारी इस भर्ती की ले सकते हो। फ्रेंड्स, आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, तो यहाँ से भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 458 इसमें पोस्ट दी गई है। पोस्ट नेम जो है फ्रेंड्स, ये दो प्रकार की इसमें पोस्ट दी गई है, एएससी सेंटर साउथ है और एएससी सेंटर नॉर्थ की इसमें पोस्ट दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। देखिए, कुक है, सिविलियन है, एमटीएस है, टीनेज स्मिथ है और ईबीआर है, बर्बर है, चैंप गार्ड है, एमटीएस मेल गार्डनर है, एमटीएस मैसेंजर की इसमें पोस्ट और दी गई है। नॉर्थ के लिए देख सकते हो, स्टेशन ऑफिसर है, फायरमैन है, फायर इंजीनियर ड्राइवर है और फायर फिटर है, सिविलियन मोटर ड्राइवर है और क्लीनर की इसमें पोस्ट दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा ऑफलाइन मोड से इसमें अप्लाई रहेगा। फ्रेंड्स, हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में एलिजिबल रहेंगे। फाइंड मोर न्यू वैकेंसी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। इंडियन नेवी भर्ती 2022 है, आरआरसी रेल अप्रेंटिस है, इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2022 है, बीएसएफ ग्रुप से रिक्रूटमेंट है। फ्रेंड, इन भर्ती की मोर डिटेल हमारी वेबसाइट से अगर आप ले सकते हो jobinformation.co.in से। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो रहेगा ऑल ओवर इंडिया रहेगा। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी ऑल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। एज लिमिट जो चाहिए फ्रेंड, देखिएगा 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की अगर आपकी आयु है तो भी आप इस भर्ती में एलिजिबल रहेंगे। जो आपकी एज काउंट होगी 15 जुलाई 2022 से काउंट होगी। 15 जुलाई 2022 से ना तो आपकी आयु 18 से कम हो ना ही 25 से ज़्यादा हो। एज रिलैक्सेशन की बात करें, आयु में छूट एज पर गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपको आयु में छूट दी जाएगी। एस सी एस टी के लिए 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी के लिए इसमें 3 साल की छूट दी गई है। फिजिकल डिटेल की बात करें, इसमें हाइट की ऑल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होना जरूरी है। वेट जो चाहिए 50 किलोग्राम कम से कम आपका वेट होना चाहिए। चेस्ट जो चाहिए कि फ्रेंड्स 81+5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए, एक्सटेंशन होना चाहिए। फ्रेंड्स, स्किल टेस्ट आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो। फायरमैन वेट लिफ्टिंग देखिएगा, डिस्टेंस क्या रहेगा, इसमें कितने टाइम में होना चाहिए। क्लीनर के देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ से क्लाइंबिंग के लिए देख सकते हो फ्रेंड्स। लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट देखिएगा फ्रेंड, जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट अटैच करोगे वो सेल्फ अटैच होने चाहिए, यानी कि आपके सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं चाहिए इस पर, तभी आप इस हिसाब से अटैच कर पाओगे। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, फोटो का लाइट कलर का बैकग्राउंड चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए 8वीं का और 10वीं का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आईडी प्रूफ में आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों में से हो लगा सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए फ्रेंड, आपने 10वीं या 12वीं पास कर रखा है, इसमें वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई, स्किल टेस्ट मांगा गया, वो भी आप नोटिफिकेशन के माध्यम से चेकआउट कर सकते हो। आपको नीचे मिल जाएगा मोर लिंक्स में, आप वहाँ पर आकर चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल टेस्ट रहेगा, क्या इसमें एज लिमिट रहेगी, वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न देखिए, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसमें, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपने 1-4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक आपका सही भी इसमें कट जाएगा। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा 2 घंटे रहेगा। एग्जाम मोड जो रहेगा ऑफलाइन मोड से इसमें आपका एग्जाम होगा, इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों में आएगा। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, सब्जेक्ट क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स।
फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और हमारी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करेगा, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर टेट स्किल टेस्ट होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा फ्रेंड्स में, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा। इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन देखना चाहते हो हिंदी में तो यहाँ पे क्लिक करके करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देख सकते हो हिंदी में, तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। फ्रेंड, डे बाई डे क्वेश्चन अपडेट होते हैं, यहाँ से भी रीड कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, एंड मंथली एंड वीकली वाइज भी PDF भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट डे इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, स्टार्ट डेट सबमिशन की फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट जो रहेगी फ्रेंड सबमिशन की 15 जुलाई 2022 रहेगी। मोर लिंक्स देखिएगा फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सबसे फास्ट अपडेट मिलती है, टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहती है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ESC सेंटर साउथ के लिए देख सकते हो, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या पे स्केल रहेगा, रिजर्व पर्सन कितने रहेंगे फ्रेंड्स में, कंप्लीट जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आप ले सकते हो। नॉर्थ के लिए देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ से क्या इसमें पे स्केल रहेगा वो भी जानकारी इसे ले सकते हो। नोट परफॉर्म फॉर एप्लीकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे A4 साइज प्रिंट भी करा सकते हो और फिल करके जो मैंने एड्रेस बताया आपको सेंड कर सकते हो। देख सकते हो फ्रेंड्स, कंप्लीट जानकारी आप यहाँ पे फिल कर दोगे, A4 साइज प्रिंट निकालना होगा आपको, उस पर सेंड कर सकते हो फ्रेंड जो मैंने एड्रेस बताया है। डिक्लेरेशन रीड कर लोगे या डेट प्लेस सिग्नेचर यहाँ पे कर दोगे। करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हो। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब भी आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, आपको मैंने सारी डिटेल बता दी, कैसे इसका फॉर्म डाउनलोड करना, कैसे इसे फिल करना, कैसे इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, क्या क्या इसकी डिटेल है आप चेक कर पाओगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फ्रेंड, जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और आप चाहते हो लगातार ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करेगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स करेगा, और ऐसे ही हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहेगा, देखते रहेगा YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।